गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं एक बिल्ली जो झूले में है। मैं आप लोगों को रोज़ इसलिए कहती हूँ कि आप जो मैंने बनाया है उसको पॉज करके ट्रेस कीजिए, क्योंकि आर्ट थेरेपी में आपके हेल्प करता है। बहुत सारे इमोशंस हैं जहाँ हमें कर्वी लाइंस ड्रॉ करनी है, बहुत सारे इमोशंस हैं जहाँ हमें स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, तो उसके बजाय हम कार्टून क्यों ना ड्रॉ कर लें। तो आप इसको पॉज कीजिए और इसको बनाइए। कोई आर्टिस्ट अगर आप बन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप पहले एक्लिप्स ड्रॉ करेंगे फेस बनाने के लिए, और यहाँ पे दो सिलेंडर्स ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे एक राउंड बनाएंगे ये इसका टमी बनाने के लिए, और यहाँ पे आप स्क्वायर बनाएंगे या रेक्टेंगल बनाएंगे झूला बनाने के लिए। और जो लोग आर्ट नहीं सीख रहे हैं उनके लिए ये इसलिए है ताकि आप जो है जैसे कर्वी लाइंस ड्रॉ करनी है, कहाँ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, जैसे हमने आप बीच में पेट में भी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की हैं, यहाँ पे भी झूले पे भी की हैं, तो इससे आपके इमोशंस जो हैं वो स्टेबलाइज होंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए, आप इसको पॉज कीजिए और जैसे ये बनाया है वैसे बनाइए, और फिर मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी जब मैं इसको कलर कर लूँगी। जो लोग आर्ट थेरेपी के लिए आते हैं उनको ये कलर करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ड्रॉ करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं वो प्लीज़ मेरे साथ कलर कीजिए। मैं इस पर ब्राउन कलर यूज़ करने वाली हूँ और वाइट और थोड़ा सिल्वर भी, लेट्स सी, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो आप भी इसको बिल्कुल वैसे वैसे कीजिए, और अब मैं आपसे तब मिलूँगी जब मैं इसे कलर पेंसिल से पूरा बना दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए लाइट कलर से ये बिल्ली बन के तैयार है। इस पर मैंने लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, थोड़ा सा रेड यूज़ किया है और पिंक यूज़ किया है, साथ में सिल्वर और वाइट, बस ये कलर्स मैंने यूज़ किए हैं और उससे मैंने ये बिल्ली बनाई। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। फिर कल मिलेंगे और कल कुछ नया बनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।